हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हील कंपेनियन। सो गाइस, आज अपने पास है टीवीएस अपाची 164V। सो गाइस, आज आपको दिखाने वाले हम 5.3 हाइट वाले और उससे ऊपर हाइट वाले कैसे लगते हैं इस बाइक में। बेसिकली हम लोग 5.3 से लेकर 6 फीट हाइट वाले मतलब को इसमें बैठाने वाले हैं और वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनुअल करके दिखाते हैं आपको। आप लास्ट तक देखे रहना और यार अगर वीडियो पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ 5.3 हाइट वाले बंदे को। सो भाई आओ और बैठ के दिखाओ भाई। इनके फीट पे नजर डाले तो यार फीट तो इनके इजीली पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एंकल जरूर उठे हुए हैं बट हाँ, टो इजीली इनके नीचे टच हो जा रहे हैं, ठीक है भाई। ये बताइए आपको बैठने में कैसा लग रहा है, कंफर्ट फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बैठने में कंफर्टेबल है भाई। और हैवी हो रही है नहीं हो रही है? हैवी तो हल्की सी होगी मेरे को, क्योंकि मेरी अकॉर्डिंग तो थोड़ी छोटी है बाइक के। तो आप आगे पीछे करके नहीं दिखाइए थोड़ा। भाई क्या बोलना चाहेंगे आप, आगे पीछे करने में कंफर्टेबल है या नहीं? आगे पीछे करने में डिफिकल्टी हो रही है मेरे को, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ अभी और जो एक्सपीरियंस है उनको उनको तो कंफर्टेबल हो गई है। तो 5.3 वाले को डिफिकल्टी होना है, हो सकती है, ठीक है भाई। 5.3 वाले इसको चला तो सकते हैं बट जो एक्सपीरियंस है वो तो चला लेंगे, बट हाँ 5.3 वाले जो बिगिनर्स हैं थोड़ा बहुत उनको डिफिकल्टी हो सकती है। और जो कंप्यूटर सेगमेंट में आपको पहले जाना चाहिए, सीधे आप स्पोर्ट्स बाइक में ना आए तो हम लोग बढ़ते हैं 5.5 हाइट वाले बंदे की ओर, वो कितना अच्छा कंट्रोल और मैनुअल करके दिखाते हैं। तो भाई आओ और बैठ के दिखाओ। फीट पे नजर डाले तो यार फीट तो इनके इजीली पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। एंकल जरूर थोड़े बहुत उठे हुए हैं लेकिन कोई नहीं, ये इजीली चला सकते हैं और एक पैर ऊपर करके भी ये इजीली इसको मैनुअल कर सकते हैं। तो भाई से पूछ भी लेते हैं यार, उन्हें कंफर्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा है बैठने में? भाई कंफर्टेबल तो हो रहा है, इसमें थोड़ा इसी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक जैसा नहीं लग रहा। तो आगे पीछे करके दिखाई आप, तो भाई आगे पीछे करने में कैसा फील हो रहा है? टोज थोड़े ज़्यादा पानी हो रहे हैं तो उसकी वजह से उनको आगे करने में डिफिकल्टी हो रही है, मगर पीछे करने में उतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही। तो क्या बोलना चाहेंगे आप 5.5 हाइट वाले बंदे को, वो चला पाएंगे या नहीं? हाँ वो चला पाएंगे, बस मेरे से हाइट वालों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है भाई, तो 5.5 वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं, 5.4 को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है पर 5.5 वाले तो उसको आराम से ही चला सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाई सीधे 5.6 फीट हाइट वाले बंदे की ओर। भाई आओ और बैठ के दिखाओ, आगे पीछे करके दिखाइए आप। सो भाई आपने आगे पीछे करके भी देख लिया, भाई कैसा फील हो रहा है आपको? पीछे करने में तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, बस आगे करने में हल्का टैंक का पार्ट जो कच्चा हो रहा है हल्की दिक्कत लग रही है इतना अंतर। और 5.6 वाले को क्या बोलेंगे कि चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? हाँ 5.6 वाले आराम से चला लेंगे, ज़्यादा हाइट भी बड़ी नहीं है और 5.6 वालों के लिए कम्फर्टेबल। तो भाई 5.6 वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं, 5.7, 8, 9, 10 तक मैं कहूँगा यार आराम से ही चला सकते हैं। और 5.11 की ओर अब हम बढ़ते हैं जो कि मेरी ही हाइट है, तो बैठ के दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा हूँ मैं और मुझे कैसा फील होता है इसको बैठने में। भाई यार बैठने की बात, मुझे तो कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भारी है वगैरह जो भी है, और टैंक भी मुझे नॉर्मल लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। ऑल्दो अपाची टीवीएस के यार थोड़े बहुत टैंक साइज नीचे जरूर गए बट हाँ कोई डिफिकल्टी ऐसी नहीं है। आगे करके दिखाता हूँ थोड़ा, आगे भी नहीं यार, आगे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नॉर्मली सारे बाइकों में होता है, ठीक है। और पीछे एक ऐसे टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे। और फीट की ओर नज़र डालें तो यार फीट तो आपको ईजिली नीचे दिखेंगे, ठीक है। कोई भी एंकल वगैरह मेरा उठा हुआ नहीं है, ईजिली मैं पैर रख सकता हूँ, ठीक है। और भारी भी नहीं लग रही मुझे, तो 5.11 वाले इसको आराम से चला सकते हैं। नाउ हम लोग बढ़ते हैं 6 फीट हाइट वाले बंदे की ओर, और उससे ऊपर तो कोई भी इजीली चला नहीं सकता है। सो 6 फीट तक हम लोग दिखाने वाले हैं उसको, तो भाई आओ और बैठ के दिखाओ। हेड देख सकते हो आप, बिना देखे ही मैं कह दूंगा इनके पैर इजीली पहुंच जाएंगे, आप देख सकते हो इधर इजीली पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई आगे पीछे करके दिखाओ आप, कैसा फील हो रहा है आपको आगे पीछे करने में?
आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी इजीली टर्न भी हो जा रही है और मेरे पाँव भी इजीली पहुँच जा रहे हैं, तो 6 फीट वाले और उनसे ज़्यादा काफ़ी इजीली इसको चला पाएंगे। और 6 फीट वाले को थोड़ी टो में हो सकता है, मतलब दिक्कत फील हो सकती है? नहीं, इतनी दिक्कत फील नहीं हो रही है, आपके पैर ज़्यादा ट्रेवल हो जा रहे हैं। मैं तो कम्फर्टेबल हूँ, तो 6 फीट हाइट वाले भी काफ़ी कंफर्टेबिलिटी से इसको चला सकते हैं और उससे भी ऊपर वाले तो इसको आराम से चला ही सकते हैं। लगभग मैंने सारी हाइट्स आपको दिखा दी हैं कि कौन सी हाइट वाले कैसे लगेंगे इसमें और चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।